गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, दिस इज योर रिविजन लेक्चर। एज यू ऑल नो, आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट योर पीरियोडिक टेस्ट, एंड इन आवर लास्ट सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेल थ्योरी एंड देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Now, today I'm going to discuss the whole chapter, your whole chapter, okay? So, in the same sequence, let's start to revise with the types of cells, okay? There are basically two types of cells. First one is prokaryotic cell and other one is eukaryotic cell. Prokaryotes mein kya hoga beta? Sabse important kya hai? Aapka pro means primitive, karyo means nucleus. जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, अब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वहां पे इस टाइप के न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। यू मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। यू मतलब ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियस पढ़ाया था, न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म अबंडेंट अमाउंट में होता है, ठीक है ना। तो देखो, अब ऑब्वियसली बात है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है और कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, तो इसीलिए न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां तक बात है क्रोमोसोम की, तो सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट क्रोमोसोम में भी सिंगल और मल्टी सॉरी जेनेटिक मटेरियल मे हैव सिंगल और मोर देन वन क्रोमोसोम, ओके, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सिमिलरली इन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, वहां पे रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होगा, यानी कि मोनोपेरेंटल होगा, ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो दोनों टाइप के आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। क्या होते हैं? दीज आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। इसको आप डिटेल से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स हमेशा सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? दे मे बी यूनिसेल्यूलर और दे मे बी मल्टीसेल्यूलर। यहाँ ऑफन मल्टीसेल्यूलर लिखा है, बट आपको याद रखना है कि ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं और ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर जनरली एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहेंगे एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में तो खैर यहाँ पे भी एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। जहां तक बात है सेल डिवीजन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा बाइनरी फिशन से आपको डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है आपके डाउट क्लास में भी कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं, ठीक है ना। जहां तक बात है एग्जाम्पल की, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। और यूकैरियोट्स में फंजाई है, प्लांट्स है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ऑल आर यूकैरियोटिक सेल। अब आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, दिस वन इज डायग्राम ऑफ योर एनिमल सेल, ओके। क्यों है एनिमल सेल? देखो, हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले चेक करो, क्या यहाँ पे कोई प्लांट, यहाँ पे कोई सेल वॉल दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंट, एनिमल सेल में हमेशा सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये कैसा सेल है? एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो क्या आपको यहाँ पे प्लास्टिड दिखाई दे रहा है?
क्या आपको प्लास्टिड दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, तो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट, यहाँ पे देखो ये एनिमल, ये प्लांट सेल है, देखो यहाँ पे आपको प्लास्टिड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, आपको प्लास्टिड, प्लास्टिड में आपका क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, है ना, पढ़ा है आपने। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं और आपको देखो सेल वॉल भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, देखो सेंट्रियोल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल, लेकिन सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। गोल्जी बॉडीज की जहां तक बात है, देखो यहाँ पे एनिमल सेल में आपको वेल डिफाइंड गोल्जी बॉडीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपके प्लांट सेल की, तो गोल्जी बॉडीज तो हैं यहाँ पे भी, लेकिन बहुत ही डिफ्यूज्ड है, ठीक है। डायग्राम में गोल्जी अपरेटस दिया है, लेकिन बेटा हायर क्लास में पढ़ोगे ये डिफ्यूज्ड होती हैं, ऐसे एग्रीगेटेड नहीं होती, इसलिए इनको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो वैक्यूल्स की जहां तक बात है, न्यूक्लियस यहाँ कैसा आपका सेंट्रल है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस आपका थोड़ा सा साइड में हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज शेप वैक्यूल, ठीक है। तो यहाँ जो है देखो न्यूक्लियस जो है बीच में है, क्योंकि यहाँ पे आपके वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट नहीं होंगे एक्चुअल में, वो क्या होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और अगर हैं तो बहुत ही छोटे साइज के होंगे, ठीक है, नहीं है तो एब्सेंट हो गए। लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स हैं हमेशा मिलेंगे आपको, और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होगा। जहाँ तक बात है सेंट्रोसोम की, ठीक है ना, सेंट्रियोल्स से रिलेट करो आप सेंट्रोसोम को, तो सेंट्रोसोम जो है आपका प्रेजेंट है आपके एनिमल सेल में, ठीक है ना। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एनिमल सेल की, तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स एब्सेंट मिलेंगे। तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बेटा डायग्राम को एक बार देख लेना, हो सकता है डायग्रामेटिक फॉर्म में कोई पूछ लिया जाए तुमसे, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, उसे क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सेल जो है अपना न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से जनरली डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्टेन करता है। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच अकर्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। एक ऐसा डिफ्यूजन की ही टाइप है जो कि कहाँ मिलती है आपको, पानी में मिलेगी, पानी के जो आपको जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली जिसमें पानी मिला हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, वहां। तो यहाँ देखो डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो ध्यान रखना थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, जस्ट मॉलिक्यूल का क्या था, मूवमेंट था। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, वहां स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहा है डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की जगह आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, दैट इज मोर बेटर, ठीक है, आगे समझ में। तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपो और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन की टाइप है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, हाइपो मतलब कम, ठीक है, क्या कम आपका, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो बाहर के एनवायरनमेंट से पानी सोल्यूट के अंदर आएगा ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप। तो मीडियम अराउंड सेल हैज अ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड लाइकली टू स्वेल अप। तो हाइपो में हमेशा फूलता है, सेल क्या होता है, स्वेल अप करता है, ठीक है। आइसो मतलब सेम, आइसो वर्ड का मतलब सेम, मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दी वाटर, ठीक है। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन,
सॉरी वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, सेल विल स्टे इन द सेम साइज. ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो है, फ्लो दोनों साइड रहेगा. दोनों साइड क्यों रहेगा? ताकि आपके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो बैलेंस्ड कंसंट्रेशन है, वो बैलेंस्ड बनी रहे, वो चेंज ना हो. ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा. तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जहाँ पे आपका आपके सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वाटर क्या है, कम है. ठीक है, या यूं कह लो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर ज्यादा है और एनवायरनमेंट में वाटर कम है. तो वाटर जहां ज्यादा है वहां से कम, यानी सेल के अंदर से वाटर बाहर के एनवायरनमेंट में आएगा. ठीक है, सेल विल श्रिंक. वाटर अक्रॉसेस द सेल इन वाटर क्रॉसेस द सेल इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट. ठीक है, पानी अंदर बाहर दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन ज्यादातर पानी बाहर आ रहा है, लीव कर रहा है सेल को. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेल विल श्रिंक. सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेल के कंटेंट्स को क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. क्लियर. ठीक है, इसके साथ साथ और क्या काम होता है, इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये भी देखो मैंने पहले भी करवाया है, जब कोई पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर कर रही है, कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही, तो उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और बेसिकली किससे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है. ठीक है, वैसे अगर देखें तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है. ठीक है, इसके अलावा इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स सेल टू एनकल्फ इन फूड एंड अदर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. क्या कह रहा है ये, कि जो सेल की मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर है, इसकी वजह से सेल आसानी से फूड ऑब्टेन कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. अमीबा एक्वायर फूड थ्रू दिस प्रोसेस. और अमीबा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो बेसिकली फूड को ऑब्टेन जब करेगा तो कौन सा प्रोसेस यूज करता है, एंडोसाइटोसिस. ठीक है, और क्या फंक्शन, पहला फंक्शन हमने देख लिया है क्या, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल. ठीक है ना, दूसरा फंक्शन प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल एज इट एक्ट्स लाइक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जब किसी चीज की जरूरत जो है, कोई चीज बाहर प्रेजेंट और अंदर जरूरत नहीं है, तो ये इट विल नेवर अलाउ द सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल. या फिर किसी चीज की बाहर कोई जरूरत नहीं है, सेल को जरूरत है, तो इट विल नेवर अलाउ द सब्सटेंस टू पास फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. तो सिलेक्टिवली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल कर रही है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी थ्रू इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. नेक्स्ट है सेल वॉल. सेल वॉल में बेसिकली क्या होता है, रिजिड होती है, और रिजिड आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और बेसिकली प्लांट्स के अंदर मिलती है, प्लस फंजाई में भी मिलती है. ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लांट सेल जो है, बेसिकली सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई होती है. ठीक है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. और सेलुलोज बेसिकली प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट देखो बेटा, फंक्शंस की जहां तक बात है, तो सेल वॉल क्या कर रहा है, इट परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग. ठीक है, आया समझ में, मतलब क्या है इसका, कि सेल वॉल क्या कर रहा है, प्लांट को, फंजाई को या बैक्टीरिया को बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी सरवाइव करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. देखो अगर आपका बैक्टीरिया डाइल्यूट सॉल्यूशन में है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब वहां पे पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, आपके सेल में यानी कि बैक्टीरिया में, प्लांट सेल में, फंजाई में क्या है, आपका सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो ऑब्वियसली पानी बाहर ज्यादा अंदर कम, तो पानी बाहर से अंदर आएगा,
है ना, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा और अल्टीमेटली ब्रस्ट हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल के होने की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है सेल को, और वो फूल तो जाएगा, स्वेल अप तो करेगा, लेकिन ब्रस्ट कभी भी नहीं करेगा। तो इट विल प्रिवेंट द ब्रस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर सेल व्हेन दे आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ऐसे इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऐसे में जो सेल वाटर इनटेक कर रहा है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से कर रहा है। द सेल स्वेल बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। बिकॉज ऑफ सेल वॉल सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। ठीक है, सेल वॉल की वजह से सेल जो है बहुत ज्यादा जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल मीडियम में, ठीक है ना, उनको टॉलरेट करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस भी आपको मैंने करवाया है। देखो, प्लाज्मा वर्ड आया है प्लाज्मा से, प्लाज्मा यानी कि लिक्विड से, साइटोप्लाज्म। लिसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिक्विड टूटता नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो, जब किसी लिविंग प्लांट सेल को आप कहाँ रख रहे हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगी, उसमें एक्सोस्मोसिस होगी। एक्सोस्मोसिस होगी तो क्या होगा, वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल, सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सेल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी श्रिंक हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होने लगेंगी, सेपरेट होने, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है और सेल वॉल आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल का कंटेंट श्रिंक करने लग जाएगा, एंड इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज ऑफ और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, जहां तक बात है न्यूक्लियस की, देखो बेटा आपको स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अंदर आपको देखो जनरली आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ शो नहीं किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो लिक्विड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और एक डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड्स आपको दिखाई दे रही है, थ्रेड्स क्या है बेटा, दीज आर क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कहेंगे, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जहां तक बात है कंपोजिशन की, तो डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, जिनसे चीजें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इट कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, जब सेल क्या होता है, डिवाइड करने की कगार पे होता है, यानी कि डिवाइड करने वाला है, उस टाइम पे आपको ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देंगे, और उन रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमोसोम्स। फंक्शंस क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बेटा अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए एंड
प्रोटीन, क्लियर। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के सेल को बनाने की इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक नया सेल बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और देखो बेसिकली डीएनए का वो हिस्सा जो काम कर रहा है, ठीक है, वो छोटी सी छोटी यूनिट जो काम कर रही है, जो आपके करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उसे हमने क्या कहा, जीन्स कहा। तो जीन्स आर दी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। नॉन लिविंग सेल के अंदर डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। कोई सेल, सॉरी, नॉन डिवाइडिंग सेल है आपका, तो उस केस में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है उस टाइम पे ये डीएनए क्या रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर रहेगा, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो विजिबल होता है हमें एज ए एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल क्या कर रहा है, डिवाइड होने के कगार पे है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इंटू क्रोमोजोम्स एंड परफॉर्म सेल डिविजन। तो ये जो क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके क्या बनाते हैं आपके, क्रोमोजोम्स बनाते हैं। डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। इसके बाद देखो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि एक तो ये सेंट्रल रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल, विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स, क्लियर। तो बेसिकली न्यूक्लियस का काम रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल डिविजन का होता है। इसके अलावा हमने देखा था इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। यानी आगे चलकर ये सेल किस टाइप का मैच्योर सेल बनेगा, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखो बेटा न्यूक्लियोइड की जहां तक बात है, ठीक है, आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या कर, वो जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड कहेंगे, क्या कहोगे, न्यूक्लियोइड, क्लियर, ठीक है। तो इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से वहां पे न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड और ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में देखो, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स में के स्टोर का काम कर रहा है, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स और आयरन, ये सारी चीजें सेल के अंदर स्टोर्ड हैं, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड है, तो बेसिकली स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बेसिकली आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो वन बाय वन बात करते हैं एक एक सेल ऑर्गेनल की, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है बेटा, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है ना, और बेसिकली लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में दिखाई देता है, कई बार वेसिकल्स की भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और ग्राउंड और
ऑब्लॉन्ग बैग्स किसको बोल रहा है? वेसिकल्स को बोल रहा है, ठीक है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही मेम्ब्रेन होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। दो टाइप है इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसका सरफेस रफ दिखाई देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एट देयर सरफेस। राइबोसोम्स जो है, ठीक है ना, वो जनरली एक्टिव सेल्स की के अंदर ज्यादा मिलते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक। इसके अलावा देखो, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो, नेक्स्ट द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है बाय डिटैचिंग द देयर राइबोसोम। राइबोसोम जो उसके सरफेस पे है वो डिटैच हो जाते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फैट मोलिक्यूल और लिपिड जो है उनकी सिंथेसिस के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, ठीक है, जो कि सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, ठीक है। और प्लस जो है, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन, ये तो SER और RER से जो लिपिड और प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है ना, जिस जो आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन आप सभी को पता है क्या होती है, बायो मीन्स लिविंग और जेनेसिस मतलब बनाना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनल्स से ही लिविंग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होना, ठीक है, दैट इज योर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्लियर, ठीक है। अब देखो, ऑल दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, और दे ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज इन ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, नो डाउट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग टाइप के सेल में अलग अलग तरीके की दिखाई देती है, लेकिन इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, वो हमेशा एक नेटवर्क बना हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है ना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एस्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, तो चीजों का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म को इंटरनली जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ क्या है? आपका जो मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो एक इंटरनल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बना रहा है और बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एक मेम्ब्रेन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लिवर सेल के अंदर आपको लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लिवर सेल के अंदर जनरली आपको RER ज्यादा मिलेगा और SER भी क्या करेगा, वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन का एक्स्ट्रा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो SER जो है बेसिकली दो रोल कर रहा है, तो लिपिड और फैट सिंथेसिस और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, क्लियर, ठीक है। कल की क्लास में बेटा गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स बच गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, वैक्यूल, ये सारे चीजें बच गई हैं, तो कल आपका चैप्टर ये वाला ओवर हो जाएगा। एनिमल प्लांट टिश्यू मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है बेटा, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। इतना ज्यादा अब एक साथ रिवाइज करवाना भी पॉसिबल नहीं है, 3 क्लासेस में हम इतने दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज कर ले, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू।